छात्रों, कृषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है सच्ची साधना। पति का अकाल निधन साध्वी रोहिणी पर वज्रघात था, जिसे सहन कर सकना असंभव था, किंतु पुत्र देव शर्मा के प्रति कर्तव्य और ममता ने उसे जीने के लिए विवश कर दिया। अभ्यास नहीं था तो भी उसने दौड़ परिश्रम किया और बेटे का न केवल पालन पोषण ही वरन उसे वेदांग के अध्ययन जैसी उच्च शिक्षा की दिलाई। देववर्मा माँ के प्रताप से अपने समय के श्रेष्ठ विद्वान में गिना जाने लगा। माँ वृद्ध हो गई थी। नीति कहती थी अब बेटे का प्रत्युपकार करना चाहिए, पर दुष्ट कृतज्ञता को क्या कहा जाए। जहाँ भी उसका जन्म हुआ, मर्यादाएं नीति और कर्तव्य भाव वही विशृंखलित हुए। संसार में यह जो कलह और अशांति है, कृतज्ञता ही उसका एकमात्र कारण है। बेटे के मन में यह समझ नहीं आए, अपनी मुक्ति अपना स्वर उसे अधिक आवश्यकता लगा। सो माँ और छोटी बहन को बिलरक्ता छोड़कर देश शर्मा घर से भाग निकला और तीर्थाटन करते हुए नंदीग्राम के एक मठ में जाकर तप करने लगा। एक दिन देववर्मा प्रांतकाल नदी के किनारे पहुंचे, स्नान कर अपना चीवर सूखने के लिए जमीन पर डाल दिया और स्वयं वही पर आसन डालकर ध्यान मग्न हो गए। प्रतिकालीन संध्या समाप्त कर जैसे ही देववर्मा उठे, उन्होंने देखा एक कौवा और एक बकुल चीवर को चोंच में दबाकर उड़े जा रहे थे। देववर्मा के क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने बड़ी बड़ी तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की थी। शक्ति का मत बड़ा बुरा होता है। उन्होंने क्रोध पूर्ण दृष्टि से पक्षियों के दौड़ देखा, आंखों में अग्नि ज्वाला फूटी और दोनों पक्षी जलकर वही खाक हो गए। देववर्मा अपनी सिद्धि देखकर फूले नहीं समाए। उन्हें लगा समस्त भूमंडल पर उन जैसा कोई दूसरा सिद्ध नहीं है। अहंकार से बड़े देश वर्मा मठ की ओर चल पड़े। मार्ग में नंदीग्राम पड़ता था। सोचा आज भी भिक्षा भी लेते चले। सो देववर्मा ने एक सदग्रस्त के द्वार पर भवंती भिक्षा देही की पुकार लगाए और भिक्षा की प्रतीक्षा में वही खड़े हो गए। भीतर से आवाज आ रही थी। उसे पता चलता था कि गुरु स्वामी ने अंदर ही है, पर कोई बाहर नहीं आ रहा। यह देखकर देववर्मा का गुस्सा आया। उन्होंने दोबारा तिबारा और चौथी बार भी पुकारा, पर हर बार भीतर की एक आवाज आई, स्वामी जी ठहरे, मैं अभी साधना कर रही हूँ। साधना समाप्त कर लूंगी तक भिक्षा दूंगी, तब तक आप खड़े रहिए। देववर्मा का क्रोध सीमा पार गया। तड़प कर बोले, दुष्टता साधना कर रही है या परिहास? शांति नहीं है, इस अवहेलना का क्या परिणाम हो सकता है? संयंत्र और गंभीर स्वर भीतर से बाहर आया, महात्मा जानते हो आप साफ देना चाहते नहींगे, किंतु मैं कोई कौवा और बकाला नहीं संत, जो तुम्हारी कोप दृष्टि से जलकर नष्ट हो जाऊंगी। जिसने तुम्हें जीवन भर पाला, उस माँ को त्याग कर अपनी मुक्ति चाहने वाले साधु, आप मेरा कुछ भी तो बिगाड़ नहीं सकते। देववर्मा का सिद्धि का अहंकार चूर चूर हो गया। कुछ देर बाद गुरु स्वामी जी घर से बाहर आए और भिक्षा देने लगी। देववर्मा ने साक्ष्य पूछा, भद्रे आप मुझे यह बता दे कि आप कौन सी साधना करती है।
उससे बिना देखे ही कौवे के जलाने और माँ का असहाय छोड़ आने की घटना जान गई। गुरु स्वामी ने उत्तर दिया, कर्तव्य की साधना महात्मा, अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार, समाज और देश के प्रति कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करते हो, उसी की सिद्धि यह देवर्मा पर सिर जला से नीचे झुक गया, देख नहीं ली। उन्होंने चुपचाप जिस घर को छोड़कर आए थे चल पड़े उसी और छोड़ी हुई कर्तव्य की साधना पूरी करने। अखंड ज्योति December 1971। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।